सत्र के लिए अनागारिक धम्माचारी श्री रश्मि जी मुंबई से जुड़े हैं। सभी शांत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धम्म श्रवण करना है। आदरणीय धम्माचारी श्री रश्मि जी, आप धम्म देखने के लिए प्रारंभ कीजिए। नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज यहाँ इस पर्यत्ति धम्मा इस ऑनलाइन क्लास के संचालक श्रद्धेय उपासक और हमारे बंधु संदेश जी तथा पिछले कई दिनों से हम सभी को अनुभव है कि संदेश जी हमेशा अपने इस चैनल पर झीलिंग पर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अलग अलग प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध भिक्षुओं और तथा भिक्षुणियों के धम्म प्रवचन मालिका इन्होंने कई बार आयोजित किया है और धम्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही मददगार हुए हैं। तो इसलिए मैं संदेश जी का बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूं और यहां कनेक्ट हुए सभी भाई और बहनों को भी मैं पुण्य अनुमोदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और हमेशा धम्म श्रवण करने की धम्म चिंतन करने की करने का आप सभी लोग कुशल कर्म करते हैं। इसलिए आप सभी का भी मैं यहाँ बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस बहुत ही सुनहरे ऐसे मौके पर जो हमारे मार्गदाता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु समझिए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये जन्मदिन केवल भारत में ही नहीं तो सभी दुनिया में आज बहुत ही अच्छी तरह से होश हवास से बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो इस पावन तिथि पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभेच्छाएं देता हूं और बोधिसत्व का जन्मदिन हमारे जीवन में आना ये हमारे लिए एक बहुत ही सुवर्ण ऐसी संधि लेकर आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्षण क्षण हमारा जीवन घटता है और कुछ निर्माण भी होता जाता है, मतलब हमारे जीवन में हर पल हमारा आयुष्य बढ़ता है, हमारा आयुर्मान है ये घटता जाता है। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में बुद्ध और बोधिसत्वों की जन्मदिन लीजिए, उनका अलग अलग महामानवों की पुण्यतिथि लीजिए, तो ऐसे मौके हमारे जीवन में आते हैं तो उसका हम सभी ने सदुपयोग करना चाहिए। उनका स्मरण करके उनके जीवन कार्य की प्रशंसा, उनके जीवन कार्य की महानता देखकर हमें भी कुछ संकल्प करके ऐसे दिन मनाए जाना चाहिए। तो आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इनका जन्मदिन है और बुद्ध और बोधिसत्वों का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है या कैसे मनाया जाना चाहिए इस पर भी आज हम थोड़ा सा विवेचन करेंगे। मगर उसके पहले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये कैसे महापुरुष बने, उनकी क्या महानताएं हैं और उनकी सच्ची पूजा या उनको खरा सच्चा अभिवादन कैसे करते हैं, ये तीन चार मुद्दों पर हम आज यहाँ कुछ विचार सुनेंगे। और इसके लिए हम आप सभी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी बुद्ध और बोधिसत्व का कोई भी महत्व का जीवन अवसर हम लेते हैं, उनका जन्मदिन लेते हैं, उनकी पुण्यतिथि लेते हैं या उनके जीवन की जो घटनाएं रहती है ना, वो दिन हम मनाते हैं, तो उस बारे में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है ये भी हम देख सकते हैं।
तो शुरुआत करते हैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनको हम बहुत अलग अलग नाम से, नामाभिधान से उनके उनको उपाधि देकर उनका सम्मान करते हैं। जैसे कि बाबा साहब को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं उन्हें परम पूज्य कहते हैं, प्रज्ञा सूर्य कहते हैं, विश्व रत्न कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, भारत भाग्य विधाता कहते हैं, दलितो धारक कहते हैं, महामानव महासत्व कहते हैं, भारतीय घटना के शिल्पकार यानी घटना तज्ञ कहते हैं, थोर समाज सुधारक कहते हैं, महान कायदे पंडित कहते हैं, राजकारणी कहते हैं, मुत्सद्दी कहते हैं, और वैसे ही हम सभी लोग इनको नाम देते देते बोधिसत्व भी कहते हैं। तो इन सभी नामाभिधान में जो उनके जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किया है उनसे संबंधित उनका अत्युत्तम कार्य देखकर ही हम अलग अलग नामों से बाबा साहब की पहचान हमारे दिल में निर्माण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाते हैं। तो इन सभी नामाभिधान से, जैसे उन्हें क्रांति सूर्य भी कहते हैं, प्रज्ञा सूर्य भी कहते हैं, तो इन सभी नामाभिधान से उनका सच्चा नाम जो उनके जीवन चरित्र को या जीवन कार्य को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो बोधिसत्व, ये जो नामाभिधान है ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी इनके लिए निश्चित ही बहुत ही जैसे हम कहते हैं कि सटीक ऐसा उनका नामाभिधान ये है, क्योंकि उनके जीवन कार्य, उन्होंने जो जीवन में कार्य किया है, उनके जीवन चरित्र, उनका जो शिलाचरण है, ये सारी बातें हमें बताते हैं कि बाबा साहब ये इस जीवन में बोधिसत्व बन के ही जीवित रहे, और उनके महापरिनिर्वाण के समय में भी वो निश्चित तरह से बोधिसत्व ही थे, ऐसे हम कह सकते हैं। इसका कई उदाहरण या कई संदर्भ हमें मिलते हैं, नहीं का बोधिसत्व बाबा साहब कैसे थे। तो एक्चुअली बोधिसत्व इस शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं तो वो होता है बोधि और सत्व। बोधि मतलब ज्ञान या सम्यक ज्ञान कहते हैं हम, और सत्व मतलब प्राणी या सजीव मनुष्य। जिस मनुष्य का जीवन, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन बोधि प्राप्ति के लिए समर्पित किया, ऐसे व्यक्ति को हम बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व ये संकल्पना प्रत्यक्ष तथागत सम्यक संबुद्ध के मुख से हम यहाँ त्रिपिटक में आई हुई देखते हैं। उसका ऐतिहासिक या पारंपरिक त्रिपिटक में अनेक बार संदर्भ आया है। खुद तथागत अपने पूर्व जीवन की कथा ऐसे शब्द से शुरुआत करते हैं, जब मैं बोधिसत्व था। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि बुद्ध होने के पहले हर एक बुद्ध को बोधिसत्व के जीवन चर्या ये परिपूर्ण करनी होती है। जैसे हम जानते हैं कि बोधिसत्व की जो 10 पारमिताओं और सभी मिलकर 30 परिपूर्णता के पारमिता ये करने के बाद ही व्यक्ति बुद्ध बनते हैं। तो बुद्ध जो बनना चाहते हैं उन्हें जो पारमिताएं पूर्ण करनी होती है, वो सारी पारमिता जो पूर्ण करता है उसको बोधिसत्व कहते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध बनते हैं। तो बाबा साहब के पहले भी, जैसे बुद्ध के पहले अनेक बुद्ध होके गए हैं, है वैसे ही बोधिसत्व इस संकल्पना के अनुसार बौद्ध परंपरा में अनेक बोधिसत्व इससे पहले भी हुए हैं, ऐसा संदर्भ हमें मिलता है। तो ये बोधिसत्व लीजिए, महामानव लीजिए, महासत्व लीजिए, ये कैसे बनते हैं? ऐतिहासिक संदर्भ से तो ऐसा हमें मालूम पड़ता है कि 10 पारमिताओं को पार करके व्यक्ति बोधिसत्व बनता है, मगर कुछ बाबा साहब के मुख से हम सुनेंगे या देखेंगे कि महापुरुष की निर्मिति या महापुरुष कैसे निर्माण होता है। तो हमें एक संदर्भ मिलता है, तो हमें एक बीसी कामले नामक हमारे बहुत ही एक अच्छे राजकारणी व्यक्ति आरपीआई में बहुत ही पिछले दिनों में होके गए हैं, जो बाबा साहब के सच्चे साथी थे, एडवोकेट बीसी कामले, आरडी भंडारे, दादा साहेब रुपवते, ये उनके जीवन काल में बाबा साहब के साथ इन्होंने काम किया। तो उन्होंने बाबा साहब का चरित्र लिखा है जो 24 खंडों में है। तो उसमें उन्होंने संदर्भ दिया है कि महापुरुष या महामानव जिसे हम कहते हैं उसका वो कैसे बनते हैं। तो प्रत्यक्ष संदर्भ ऐसा मिलता है कि बीसी कामले साहब बाबा साहब को बोलते हैं, बाबा साहब
दुनिया में महापुरुष कैसे निर्माण होते हैं? तो बाबा साहेब उनको उत्तर देते हैं जो उस विभाग में जो खंड है उसमें उसमें लिखा है कि बाबा साहब तीन व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं। पहले वो कहते हैं कि दुनिया में जो अगस्टाइन नाम का विचारवंत है वो कहता है कि महापुरुष निर्माण होता है वो ईश्वरी संकेत के अनुसार निर्माण होता है, ईश्वर के इच्छा अनुसार कई कई महापुरुष निर्माण होते हैं, ऐसा ऐसा अगस्टाइन में का है। बाद में दूसरे एक विचारवंत है बकल नाम के, तो वो लिखते हैं कि जिस प्रदेश का इतिहास तथा भूगोल की भौगोलिक परिस्थिति जैसी होती है उससे महापुरुष निर्माण होता है। और तीसरा उदाहरण बाबा साहब देते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि उस क्षेत्र के आर्थिक शक्ति के घड़ामोड़ी के अनुसार, मतलब उस क्षेत्र में जो भी आर्थिक स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहां महापुरुष निर्माण होते हैं। इन तीनों का उदाहरण देने के बाद फिर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे लगता है ये तीनों जो विचारवंत थे ये तीनों अर्ध सत्य कहते हैं, पूर्ण सत्य तो इनमें से किसी ने कहा नहीं। और फिर बाबा साहब खुद महापुरुष या महामानव की व्याख्या करते हैं, महामानव या महापुरुष कैसे निर्माण होते हैं। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, मुझे लगता है, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे लगता है दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान संपन्न हो, मतलब वो प्रज्ञावान हो, और उस प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अन्य सजीवों के प्रति करुणा भरी, मतलब अन्य जीवों के प्रति वो बहुत ही करुणावान रहते हो, ऐसा व्यक्ति जिस समाज में जन्म धारण करता है वो कोई भी भोग कोई भी प्रदेश का हो कोई भी देश का हो, तो जिस देश में या जिस प्रदेश में या जिस कुल में ये व्यक्ति जन्म धारण करता है उनको वो सही क्या है, अपने ज्ञान के आधार पर क्या सही है और क्या गलत है ये बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और अपने समाज को सत्य की राह पर ले जाते हैं, ऐसे महापुरुष बनते हैं, ऐसे खुद बाबा साहब ने कहा है। हम संदर्भ देखते हैं इसी इसी विषय के साथ में, प्रत्यक्ष तथागत सम्यक संबुद्ध, ये कैसे, ये इनका क्या विचार है महापुरुष के जन्म के स्थान पर? तो धम्मपद में इसका एक संदर्भ आता है, वहां तथागत कहते हैं, दुर्लभो पुरिसा जयो नतं सबथ जायति यथ स जायति धीरो तं कुलं सुख मेधति। तथागत कहते हैं दुर्लभो पुरिसा जयो नतंग सबथ जायति, सब पुरुष का जन्म ये बहुत ही दुर्लभ होता है, वो हर कोई क्षेत्र में या हर किसी क्षेत्र में निर्माण नहीं होते, कहीं भी जन्म धारण नहीं करते, मगर ये सच है कि जिस कुल में या जिस देश में वो जन्म धारण करते हैं उस देश में उस समाज में उस कुल में वो सभी के सुखों के लिए कार्य करते हैं और उस देश में सुख उनका समाज का सुख या समाज कल्याण ये वर्धमान होता है, वर्धित होता है, सुख वर्धन होता है उसमें। तो महापुरुष की ये व्याख्या जो प्रत्यक्ष बुद्ध ने कहे और बाबा साहब ने कहे इनसे हम देख पा सकते हैं कि बाबा साहब कैसे महापुरुष थे, बुद्ध तो थे ही मगर उनके शिष्य करके बाबा साहब कैसे महापुरुष थे, बाबा साहब कैसे बोधिसत्व थे, इसका संदर्भ हमें मिलता है। बाबा साहब की जीवनचर्या उनके जीवन उनका जीवन कार्य अगर हम देखते हैं तो हम निश्चित ही महसूस करते हैं कि बाबा साहब एक महापुरुष थे, एक बोधिसत्व थे। तथागत बुद्ध ने एक जगह पे जैसे कि संयुक्त निकाय में संदर्भ आया है कि मनुष्य का जीवन दुखमय है ना, मनुष्य का जीवन अनेक समस्याओं में उलझा हुआ है, तो ऐसे इस मनुष्य को
सन्मार्ग पर कौन ले जा सकता है या सुख प्रदान दुख मुक्त कौन कर सकता है। तो इसके बारे में भी तथागत कहते हैं, जब उनको सवाल पूछा जाता है कि मानवीय जीवन में बहुत ही समस्याएं हैं, नहीं का वहां संदर्भ ऐसा मिलता है, अंतो जटा बहु जटा जटाय जटितो पजं तं तं गोतम उच्छामि कोई मं विजटये जटन्ति। तथागत को प्रश्न पूछा जाता है, अंतो जटा बहि जटा, इस शरीर में भी समस्याएं हैं और वही बाह्य भी बाह्य लोग में भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से मनुष्य का जीवन बहुत ही जंजाल बन गया है, समस्या से जटिल बन गया है। इस समस्याओं से मानवीय जीवन को या मनुष्य के जीवन को कौन सुलझा सकता है, कौन इस समस्याओं के बाहर मनुष्य को निकाल सकता है। तथागत उन्हें उत्तर देते हैं, सीले पतिठाय नरो सपैयो चित्तं पैयं च भावयं आतापी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटन्ति। तथागत कहते हैं, सीले पति ठाए नरो, नर मतलब मनुष्य, जो भी मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी हो, जो भी मनुष्य सील पर आधारित जीवन जीता है, सीलों पर प्रतिष्ठित होता है, सीले प्रतिष्ठित नरो सपयों जो प्रज्ञावान है और चित्तं पयं च भावये अपने चित्त को प्रज्ञा से जागृति से परिपूर्ण विकसित करता है, ऐसा व्यक्ति कैसा, आतापी निपको जो ध्यान साधना करके परिपक्व होता है, ऐसा व्यक्ति भिक्षु जो भिक्षु है मतलब अनासक्त है, जो त्याग करता है, जिसके मन में वैराग्य की भावना होती है, जो किसी चीज वस्तु पदार्थों के प्रति आसक्त नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति ऐसा भिक्षु ये खुद ही इस समस्याओं से बाहर निकल सकता है और अन्य लोगों को भी बाहर निकलने की मदद करता है। तो इन दोनों संदर्भ से हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष बुद्ध कैसे दुनिया का दुख दूर करते हैं, किस वजह से उन्हें बुद्ध या सम्यक संबुद्ध कहते हैं, इसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और महापुरुष जो बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा है, बुद्ध ने भी महापुरुष की जो व्याख्या की है उससे भी हम देख सकते हैं कि बाबा साहब बोधिसत्व कैसे थे। तो बुद्ध और बोधिसत्व की व्याख्या हमने देखी, अभी हम देख पाएंगे कुछ कि जब जयंती आती है, जब इन दोनों का जन्मदिन होता है तब क्या होता है और उस वक्त हमारे मन में कौन सी भावनाएं होनी चाहिए, उनका जयंती उत्सव हम कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका थोड़ा सा हम संदर्भ देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में, अभी मेरी उम्र 70 साल की है ना, तो पिछले 70 साल से मेरे जीवन में भी बाबा साहब की जयंती या बुद्ध जयंती, ये बड़े बड़े महोत्सव आए हैं, आके गए भी हैं। तो 70 साल तक मैं जयंती सेलिब्रेट करता आ रहा हूं, मगर मुझे सोचना चाहिए क्या पिछले 70 साल में ये जयंती उत्सव मनाया जाने के बाद, उसको सेलिब्रेट करने के बाद मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है क्या? क्या मैं बुद्ध और बोधिसत्व का सच्चा अनुयायी खुद को साबित या खुद को महसूस करता हूं क्या? क्या मेरा कर्तव्य मैं अच्छी तरह से करता हूं क्या? ये मुझे खुद चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे क्षण जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कुछ चिंतन के लिए, कुछ मनन के लिए एक मौका लेके आते हैं। तो जयंती केवल प्रत्यक्ष बाबा साहब एक संदर्भ में कहते हैं कि धर्म या धर्मांतर ये कोई मनोरंजन नहीं, ये केवल नाच गाना खेल तमाशा मनोरंजन, इसकी ये बात नहीं। तो धर्म या धर्मांतर ये हमारे जीवन का प्रश्न है, हम कैसे जिए,
हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सोचने की और उसके अनुसार आचरण करने की एक नई दृष्टि हमें इस जयंती पर या धर्म के माध्यम से हम अगर चिंतन करते हैं तो मिलनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई और बहनों, हम हरेक जयंती में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे बाबा साहब का आज बर्थडे है, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे समारोहों में, कल 13 तारीख थी ना, तो 12 बजे हमारा जैसा बर्थडे केक काटते करके है कि नहीं, हैप्पी बर्थडे बोल के करते हैं। वैसे ही बाबा साहब का बर्थडे एक टेबल पर केक रख के हैप्पी बर्थडे बाबा साहब करते करके हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बाबा साहब ये हमारे जैसी सर्व सामान्य व्यक्ति नहीं थी, वो एक बोधिसत्व थे, बुद्ध थे। उन्हें आधुनिक बुद्ध करके वो चंद्रमणि जी ने रंगून के जाहिर परिषद में सम्मानित किया, वो आधुनिक बुद्ध थे। तो उनका जन्मदिन हमारे जन्मदिन के जैसे अगर हम मनाते हैं तो हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा। तो बाबा साहब के दिन में, बाबा साहब के जन्मदिन पर हमारे कुछ कर्तव्य हमें देखना चाहिए, हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट क्या करते हैं भाई और बहनों, सेलिब्रेट ये कहते हैं कि दूर से किसी पर्वत को देखकर, है ना, उसे कहते हैं अच्छा है। कोई पर्वत को हम देखते हैं और दूर से ही देखते हैं कितना ऊंचा है, हिमालय देखिए, सह्याद्री देखिए, कोई भी पर्वत देखिए किसी भी प्रदेश का, तो उसकी तरफ हम देखते हैं और कहते हैं कितना बड़ा पर्वत है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे पर, है कि नहीं, तो दूर से ही समुद्र की तरफ देखते हैं और कितना गहरा समुद्र है, ऐसे बोलते हैं। और कुछ ही क्षणों के बाद वो समुद्र भी वही रहता है, वो पर्वत भी वही रहता है और हम वहां से निकल जाते हैं। इसे कहते हैं मराठी में, उसको कहते हैं दुरून डोंगर साजरे करने। तो दूर से ही हम पर्वत की या डोंगर की सौंदर्य कहिए या उसकी उच्चतम अवस्था देखिए, वो देखते हैं और दूर से ही सलाम करके वहां से निकल जाते हैं। पर्वत भी वही रहता है, हमारा जीवन भी पूर्ववत रहता है। तो ऐसी जयंती हम सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। जयंती कैसी सेलिब्रेट करना चाहिए ये अंत में हम देखेंगे, मगर हमें ये बात तो निश्चित ध्यान में रखना है कि केक काटकर बाबा साहब की और हमारी जब हम जयंती करते हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्या बाबा साहब और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा? क्या मैं भी एक बोधिसत्व बन चुका हूँ? क्या बाबा साहब ने उनका खुद का बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट किया है केवल? निश्चित ही नहीं भाई और बहनों। वैसे दूसरी एक परंपरा हम लोगों ने अपनी इंग्रज लोगों से लिया है, हैप्पी बर्थडे के लिए हम क्या कहते हैं, केक के बाजू में मोमबत्ती जलाते हैं और जिसका जन्मदिन है उसको फूंकने का कहते हैं, उसका प्रतिमा जैसे कि ये जो ज्योत जलाई है वो अभी बर्थडे के निमित्त में मैं उसको बुझा डालता हूँ। तो बुझाने का काम जन्मदिन पर करने से कोई शुभ लक्षण या शुभ कर्म तो नहीं होता। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, बुद्ध धर्म में मोमबत्ती एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, प्रज्ञा का प्रतीक है। घर में अगर हमारी लाइट चली जाती है तो एक छोटी सी मोमबत्ती पूरे घर को प्रकाशित करते है। तो वैसे ही दुनिया में जब अंधकार होता है तो एक छोटी सी चांदनी भी, एक चंद्र भी, चंद्र प्रकाश भी नहीं रहता, तब भी कहीं घरों घरों में या गांवों गांव में टिमटिमाती छोटी सी मोमबत्ती भी प्रकाशित करती है। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे मन में प्रज्ञा होनी चाहिए। तो बोधिसत्व की प्रज्ञा तो महाप्रज्ञा रहती है उनके पास, है कि नहीं, प्रज्ञावान उनको कहा है। तो उनका जन्मदिन हम मोमबत्ती बुझाने से नहीं करना चाहिए, तो हमारे अंतकरण में प्रज्ञा की जागृति करके करना चाहिए। अगर मोमबत्ती रखना ही है तो उनके जन्मदिन को जितने साल हुए है उनकी मोमबत्तियां जलाइए, उनको प्रज्वलित कीजिए, उनके सामने हाथ जोड़ के संकल्प कीजिए, आपने जो राह दिखाई है, आपने जो प्रकाश दिखाया है, आपने हमें अंधकार से बाहर निकाला है, तो आपकी राह पर हम सदैव चलते रहेंगे। ये मोमबत्ती आपके जीवन का संकल्प का प्रतीक होना चाहिए भाई और बहन। तो ऐसे बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट नहीं, एक्चुअली हृदयस्थ करके उनका कृतज्ञ रह के उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का, श्रद्धा का भाव हमें प्रकट करना चाहिए। जन्मदिन मनाया मनाना ही चाहिए, ऐसा अगर आप लगता है तो इस तरह से कीजिए, कम से कम उस दिन मोमबत्ती को बुझाइए तो मत। उस दिन अगर मोमबत्ती आपने प्रज्वलित करते हैं तो जो बौद्ध परंपरा है उसका अर्थ होता है कि हमारे मन में हमारी जीवन ज्योति हम किसी बोधिसत्व के राह पर चलने के लिए समर्पित करते हैं। हमारे पूज्य गुरु भंते उर्गेन संगरक्षी जी ने ऐसा ही कहा है, जैसे उनका एक संदर्भ हमें मिलता है,
के पूजा स्थान में वो जब भी बैठे और उस पूजा स्थान में बैठकर सामने बुद्ध की बोधिसत्वों की प्रतिमाएं हैं, बाबा साहब की और बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, उनकी तरफ वो देखते हैं और वो अपने मन में एक संकल्प निर्माण करते हैं। एक कविता है उनकी इंग्लिश, उसका मैंने ट्रांसलेशन किया है, आपके लिए मैं इस क्षण में वो पेश करना चाहता हूँ। वहां भंते संगरक्षी जी ऐसा कहते हैं, मानो वो तथागत बुद्ध को, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याचना करते हैं, अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं। वो उस कविता में ऐसे कहते हैं, मुनि मुनि महामुनि अहो अहो शाक्य मुनि अभिलाषा माजी तुम्हारचरणी पवित्र अशाया पूजा स्थानी प्रज्वलित धूप दीप अगरबत्ती तुझा धम्माचा साक्षात्कारासाठी समर्पित होवो माझी जीवन ज्योति त्या धुमसणाऱ्या मी माझे पणाचा धुरातून उंच उंच येत राहो विशुद्ध करुणेचा शुभ्र मेघ शून्यतेचा सुगंधास। जब भी हम बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा स्थान में बैठते हैं, कोई भी विहार में बैठते हैं, या ध्यान साधना के लिए बैठते हैं, या उनके जन्मदिन पर हम शुभकामना या उनको कृतज्ञता पूर्वक नमन करना चाहते हैं, तभी हमारे मन में समर्पण की भावना होनी चाहिए। हमारा ये जीवन आपकी राह पर चलने के लिए हम समर्पित करते हैं, ऐसा संकल्प हमें खुद करना चाहिए। तो ये भावना बुद्ध और बोधिसत्व के जयंती के दिन हमारे मन में होनी चाहिए, ना कि कोई गा संगीत हो, निश्चित ही उसका समावेश हो सकता है, मगर अंततः तो हमें हमारे जीवन के बारे में सोचना चाहिए। तो महापुरुष कैसे बनते हैं, बोधिसत्व कैसे बनते हैं, उनके जयंती पर हमें क्या करना चाहिए, ये हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि जिनका आज जन्मदिन है ना, तो उनकी महानता क्या है, उन्हें अलग अलग नामों से, अलग अलग नामाभिधान से कैसे लोग पहचानते हैं। उन्हें बाबा साहब के बारे में ऐसे कहते हैं कि बाबा साहब के नाम पर कितने सारे लोगों ने खून बहाया, अपनी जाने तक दे दिए। तो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब ये दुनिया के ऐसे महामानव थे कि उनके जीवन की महानता महसूस करने के लिए कहीं किताबों पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा खुद का जीवन उनकी साक्ष्य है कि हम जो भी जीवन इस क्षण में जी रहे हैं ये केवल और केवल बाबा साहब की देन है। उनके ही माध्यम से हम सभी को नया जीवन मिला है। बाबा साहब ने 1956 में जब धर्मांतर की या धम्म दीक्षा दी, तभी उन्होंने धम्म दीक्षा देने के बाद एक प्रतिक्रिया वहां महसूस की है, और 22 प्रतिज्ञाओं में भी उन्होंने हम सभी से भी वैसा ही घोषणा या विचार हम सभी से व्यक्त करके लिए है। वो कहते हैं इत पर मेरा नया जन्म हो रहा है, मेरा पुराना जन्म जो नरक का था वो निकल चुका है, अब मैं नई तरह से
नया इंसान, नया आदमी, नया व्यक्ति बनकर मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों का नया जीवन जिनके कारण हमें मिलना है, तो वो बाबा साहब का महानता हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हम कोई भी किताब अगर निकलते हैं, बाबा साहब की लिखी हुई, बुद्ध धम्म की, या उनके जीवन चरित्र की, अनेक तरह के किताबें उनके जीवन पर लिखी हुई है, तो हम उनके कुछ महानता के कुछ पर्व देखेंगे। एक वैसे तो बहुत सारे संदर्भ हमें मिलते हैं, लेकिन हम समय को ध्यान में रखते हुए उनमें से कुछ ही इनका संदर्भ का हम विश्लेषण करेंगे। तो व्यक्ति महान कैसे बनते हैं ये हमने देखा है कि नहीं। जिस जो व्यक्ति ज्ञान संपन्न है, मतलब जो सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, जो जागृत होता है, तो ऐसा व्यक्ति और उसके मन में क्या होनी चाहिए, करुणा भाव होनी चाहिए। अन्य सजीवों के प्रति, जिसे मराठी में कड़कड़ कहते हैं, उमाड़ा कहते हैं, है ना, ऐसे उनके दिन में कलकल होनी चाहिए सजीवों के प्रति। ऐसा व्यक्ति अपने समाज को क्या सही और क्या गलत ये बताता है। कभी समाज पर प्रहार करता है, तो कभी समाज के शरीर पर या उसके सिर पर हाथ फिराता है और उनको सही मार्ग दिखाता है और उनको सही मार्ग पर ले जाके उनका कल्याण करते हैं। मराठी में, हिंदी में अनेक गीत है बाबा साहब के जीवनचर्या पर, है कि नहीं। उद्धार अली कोटी कुड़े भीमा तुझा जन्मा मुड़े, बहुत सारे ढेर सारी कथा कविता है बाबा साहब के जीवन। तो उनकी महानता देखने के लिए हमें उनके जीवन का सूत्र अगर देखना चाहिए, तो हम ये निश्चित ही कैसे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है ना, वो जन्म से कोई महान नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति लीजिए, वो जैसे कर्म करता है वैसी उसकी महानता होती है। वो अगर कुशल कर्म करता है और बहुत सारे कुशल कर्म करता है, तो निश्चित वो महान व्यक्ति बन जाता है, वो महापुरुष बन जाता है। क्योंकि हम जो भी बनते हैं वो हमारे खुद के मन के विचार से बनते हैं। जैसे ही हम विचार करते हैं वैसे ही हम बनते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब खुद के बारे में क्या कहते हैं, उनके चरित्र में असामी जगलो नामक एक किताब है मराठी में, तो उसमें वो लिखते हैं कि मुझे बचपन से ही, मतलब जब से वो विद्यालय में जाते थे तभी से भी मुझे लगता था, विद्यालय में मैं जब भी जाता था तो मुझे लगता था कि मैं इन गुरुजी के जैसे कैसा बन। वो लिखते हैं, जब मैं कॉलेज में जाता है तो मैं अध्यापक से कैसा बन। जब वो पुरुष और ज्ञानी हो गए, मतलब राजकारण या कोई अलग अलग इसमें सत्याग्रह में भाग लेते थे, तो उनके मन में ये जिज्ञासा रहती, मैं एक महापुरुष के यादी में मुझे बैठना है, विश्व में जो महामानव है, जो महापुरुष है, उनके यादी में मुझे जाके बैठना है। इसलिए मैं 18-18 घंटे तक अभ्यास करता हूँ। बाबा साहब खुद का उनका वचन है। तो बाबा साहब कैसे बने, उनके मन के विचार, उनकी महत्वाकांक्षा, महापुरुष बनने की महत्वाकांक्षा बाबा साहब को भीमराव रामजी अम्बेडकर से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तक लेके गई। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे अभी इसी दिन का अगर विचार करते हैं, तो बाबा साहब की महानता हमें इसमें मिलते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्टैचूज है वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के, सबसे ज्यादा स्टैचू दुनिया में, जिनकी जो जयंती सेलिब्रेट होते हैं वो बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ही जयंती दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक पूरे साल में सभी दुनिया के सभी देशों में उसका सेलिब्रेशन किया जाता है कि नहीं। तो ये प्रमुख बात है। आजकल तो हम देखते हैं कि यूनो लीजिए या वर्ल्ड का जो मेन ऑफिस रहता है उसमें भी बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का समारोह मनाया जाता है। सारा विश्व बाबा साहब और बुद्ध को वंदन करते हैं, क्योंकि वो महामानव थे, वो महापुरुष थे। तो इसी लिस्ट में हम देख पाते हैं कि बाबा साहब को जिनको अलग अलग तरह से नामाभिधान हुए, वो ज्यादा से ज्यादा नामाभिधान बुद्ध और बोधिसत्व को ही मिले। जैसे कि बुद्ध को हम जानते हैं, बुद्ध को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, तथागत बोलते हैं, सम्यक संबुद्ध कहते हैं, है कि नहीं। देव कहते हैं, देव ये संकल्पना सर्वप्रथम बुद्ध से शुरुआत हुई है कि नहीं। वैसे ही बाबा साहब को अगर हम कहते हैं तो परम पूज्य, महामानव, क्रांति सूर्य, प्रज्ञा सूर्य, कितने सारे उपाधि हम उन्हें लगाते हैं। तो दुनिया में जिनका नामाभिधान लोगों ने किया है, लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है, ये सारे
सबसे ज्यादा नामाभिधान बुद्ध और बोधिसत्व को हुए। तो कुछ रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, उससे हमें बाबा साहब के जीवन की महानता का परिचय मिलेगा। यहाँ पहला संदर्भ ऐसा मिलता है कि बाबा साहब ये विश्व के सब विश्व के एकमात्र है और सबसे पहले ऐसे एडवोकेट थे, मतलब वकील वकील या बैरिस्टर कहिए, ऐसे बैरिस्टर थे जो एससी या ओबीसी में से आए हो। दुनिया में जितने सारे एससी मतलब अनुसूचित जाति और ओबीसी मतलब इतर महागास वर्गीय, इन दोनों समाजों में जो भी जितने भी लोग थे उन सब में बाबा साहब पहले बैरिस्टर पहले एडवोकेट थे उनमें से। दूसरी बात है कि बाबा साहब ये दुनिया के पहले पीएचडी धारक इन इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में जिन्होंने पीएचडी धारण की है, ऐसे पहले व्यक्ति बाबा साहब थे। दूसरा संदर्भ हमें मिलता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 2004 साल में सर्वे किया गया और उसमें देखा गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पिछले 100 साल में जितने सारे विद्यार्थी थे तो उनके जीवन में उनमें जो कार्य किया, उनमें जो शैक्षणिक कार्य किया है कि नहीं, और दुनिया पर प्रभाव डाला, ऐसे सबसे 100 लोगों की यादी की और उस यादी में सर्वप्रथम स्थान बाबा साहब को दिया है। और लोगों की राय से, लोगों ने ही दिया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। तो 2004 में ये रिव्यू कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किया है, उसमें फर्स्ट स्कॉलर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऐसा उनको सम्मानित किया है। हम दूसरा भी देखते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने भी बाबा साहब को डॉक्टरेट ऑफ ऑल साइंस, जो बाबा साहब के बाद अब अन्य किसी को भी अभी तक मिला नहीं, उसका सम्मानित केवल बाबा साहब को किया। हम देखते हैं कि दुनिया में हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग जो है, गीत जो है, वो बाबा साहब पर बने हैं। ज्यादा से ज्यादा जो बुक लिखे हैं वो बाबा साहब पर लिखे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टैच्यूज है, जयंती है, वो बाबा साहब की जाती है। और एक सर्वे हम देख सकते हैं कि सर्वे ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने सर्वे किया कि पिछले 10,000 सालों में इस दुनिया पर जिन्होंने प्रभाव डाला, ऐसे व्यक्तियों की उन्होंने यादी बना दी, उनकी लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में सर्वप्रथम आए हुए 4 व्यक्तियों का नामों की उन्होंने घोषणा की है। तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है तथागत सम्यक संबुद्ध, वो पहले मानव थे जिन्होंने पिछले 5,500 वर्ष से, उनके जन्म से लीजिए तो उनको उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण और उसके बाद अभी तक दुनिया पर प्रभाव डाला है, उसमें से सर्वप्रथम आते हैं बुद्ध। दूसरा स्थान आता है महावीर, तीसरा स्थान आता है सम्राट अशोक और चौथा स्थान आता है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाद में हम देखते हैं कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने केवल ग्रंथालय के लिए घर निर्माण किया है या गृह की निर्मिति की है, जिसे हम आज राजगृह कहते हैं। ये राजगृह बाबा साहब ने केवल ग्रंथालय करके अपने ग्रंथ का संग्रह करने के लिए निर्माण किया था और इसमें 50,000 ग्रंथ है। ये दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी एक व्यक्ति के पास 50,000 ग्रंथों का होना ये दुनिया में एक अद्भुत घटना है और इसमें से कई किताबें खुद बाबा साहब ने भी लिखी है। आगे हम देखते हैं कि बाबा साहब 64 सब्जेक्ट में 64 विषयों पर बाबा साहब का प्रभुत्व था, मतलब उन्होंने राजकारण लीजिए, समाज कारण लीजिए, शैक्षणिक लीजिए, आर्थिक कार्य लीजिए, सामाजिक कार्य लीजिए, है कि नहीं, इन सभी क्षेत्रों पर 60 अलग अलग क्षेत्रों पर बाबा साहब ने अपने विचार प्रसारित किए हैं, उन विषयों का उनको ज्ञान था। ऐसा संदर्भ मिलता है कि बाबा साहब 9 भाषाओं को जानते थे अलग अलग तरह से। कौन सी 9 भाषाएं, वो है जैसे हम देख सकते हैं कि हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, गुजराती, इस तरह से 9 लैंग्वेजेस बाबा साहब अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें से विशेषता पाली, ये बाबा साहब ये लैंग्वेज भी बाबा साहब जानते थे, संस्कृत का तो संदर्भ आया है। तो इससे हमें मालूम होता है कि बाबा साहब अलग अलग भाषाओं को भी ज्ञानी थे। उन बाबा साहब के जीवन में उन्होंने एक रिकॉर्ड किया है कि जो स्टडी 8 साल में किया जा सकता है वो स्टडी बाबा साहब ने बाहर गांव जाके मतलब फॉरेन में जाके केवल 2 साल और 3 महीने में वो पूरा करके आए, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। तो 8 साल का स्टडी जो व्यक्ति 2 साल और 3 महीने में पूर्ण करता है
और उसमें केवल पूर्ण नहीं करता तो उसमें पूर्णत्व प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। इसका रिकॉर्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लीजिए, जिन्होंने खुद लिख के रखा है कि हमारे सर्वप्रथम विद्यार्थी है, इनके बाद किसी को ऐसी उपाधि या ऐसी डिग्री नहीं मिली है। तो ये संदर्भ हमें मिलता है। बाबा साहब का विषय था वेटिंग फॉर वीजा, ये ग्रंथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अभी भी जो पीएचडी होल्डर का अभ्यास है उसमें सिलेबस करके रखा है, उसका अभ्यास वहां अभी भी किया जाता है। तो बाबा साहब के बारे में कई सारे हम अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो ऐसे मिलता है कि बाबा साहब ने उनके जीवन में जिनको गुरु माना तो वो गुरु, तीनों गुरु ये हयात नहीं थी, बुद्ध, कबीर और फुले, इनको बाबा साहब ने अपने गुरु चुना है। इनको बाबा साहब ने खुद प्रत्यक्ष तो देखा नहीं था, मगर उनकी जीवनचर्या, उनका जीवन कार्य देखकर बाबा साहब ने उनको अपने गुरु तुल्य माना और उनके विचार के अनुसार ही बाबा साहब ने संविधान लीजिए, बुद्ध और उनका धम्म लिखिए या अन्य कोई भी ग्रंथ उनके विचार से प्रभावित होकर ही बाबा साहब ने लिखे। तो भिन्न गुरु देखे दुनिया में, कोई अगर कोई शिष्य बनाए और महान शिष्य बनाए तो केवल और केवल बाबा साहब है, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि दुनिया में बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा दीक्षा का सोहला या दीक्षा का जो संदर्भ मिलता है हमें सबसे बड़ी आय, सबसे बड़ी लोकसंख्या में, तो बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जो धर्म परिवर्तन किया है या धर्म की दो दीक्षा दी है हमें, तो वो दीक्षा समारोह में 800,000 लोगों ने एक ही समय में बुद्ध धम्म की दीक्षा दी है। ये बुद्ध के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। प्रत्यक्ष बुद्ध ने ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि जो उनकी चर्या अगर हम देखते हैं तो 1,200,000 लोगों को बुद्ध ने एक ही समय में उनकी दीक्षा दी है या उनको प्रभावित किया है। तो तथागत बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रंगून इस जागतिक परिषद में जो दुनिया के 560 भिक्षु वहां आए थे 1954 में जो महासवीर थे, तो उन सभी ने मिलकर अपनी राय लेकर बाबा साहब को जीवित, बाबा साहब को आधुनिक बोधिसत्व कहा है, मतलब जीवित बोधिसत्व कहा है। इस दुनिया में अभी जो जी रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो बोधिसत्व है ऐसे बाबा साहब है, ऐसा उनको सम्मानित किया है। और उनके गुरु ऊ चंद्रमणि उन्होंने इसी समारोह में जाहिर किया है कि बाबा साहब केवल बोधिसत्व ही नहीं थे तो बाबा साहब इस समय के जीवित आधुनिक बुद्ध थे। आधुनिक बुद्ध की उपाधि भी बाबा साहब को उसी परिषद में मिली है। तो इससे हम निश्चित ही पता कर सकते हैं कि बाबा साहब की महानता हमें किस तरह से मिलती है कि नहीं। तो बाबा साहब की महानता अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में हमें अनेक संदर्भ हमें मिलते हैं। तो इस बारे में, बाबा साहब की इस महानता के बारे में पढ़ते हुए और उसको महसूस करते हुए मैंने बाबा साहब के बारे में पाली भाषा में एक छोटा सा काव्य लेखन किया है और उसमें बाबा साहब को हमें वंदन क्यों करना चाहिए, बाबा साहब के प्रति हमें कृतज्ञता क्यों व्यक्त करनी चाहिए, ये प्रमुख बातें लिखी है। वैसे तो ये 5-6 कॉलम है, उसमें से केवल 2 या 3 ही हम पढ़ेंगे समय के अनुसार, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पाली में बाबा साहब पर आधारित काव्य। वैसे पाली और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जीवन, बाबा साहब का योगदान, इस पर एक स्वतंत्र प्रवचन हो सकता है, जैसे हमने हमारे पाली भाषा अध्ययन वर्ग में निश्चित ही उसी से हम शुरुआत करते हैं कि बाबा साहब ने पाली भाषा का कैसा अध्ययन किया और उनका प्रभाव कैसा पड़ा पाली भाषा पर। जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब ने 16वां जो खंड है उनका ग्रंथ, तो 16वां खंड बाबा साहब ने पाली भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए लिखा है और 16वां खंड बाबा साहब के सभी खंडों से सबसे बड़ा ऐसा ग्रंथ है, मतलब 780 ऐसे पेजेस है उसमें। उसमें वंदना के हर एक शब्द का अर्थ बाबा साहब ने दिया है। पाली अनेक शब्दों का अर्थ पाली, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, इन 4 भाषाओं में दिया है। वाक्य रचना कैसी चाहिए करनी चाहिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनका कैसी वाक्य रचना करनी चाहिए, मतलब पूरा ज्ञान पाली भाषा का बाबा साहब ने उसमें लिखा है। तो उसको जब मैं खुद उसको पढ़ा तब उनके प्रति मेरे मन में जो भावना आई, तो बाबा साहब महामानव कैसे थे, उनको वंदन कैसे हम कर सकते हैं, वो इसमें लिखा है। तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। न चहो
न च भविष्यति न च एतरहि अथि ज्ञानवन्त पुरीसो वन्दामि धीमरावं पय्यावन्तं करुणाकरं तं महापंडितो गुणसागरं तं बोधिसत्तो युगंधरं तं प्रणिमामि भीमं वंदामि भीमं चित्ते हि यस्य परदुःखचिन्ता अखासि सन्ति सुखिता च समता उद्धारको परिपीडितानं वंदामि भीमं प्रणिमामि भीमं समानता च साधीनता च संघं च भावं अभिवर्धको जम्बूदीपस्य विधिनीयजनको वन्दामि भीमं प्रणिमामि भीमं नागपुरे विशालं समूहं सुधम्मं सदिखा दिन्नाति न भूतो भविष्यं पवत्तनायं इदं सुधम्मा वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं बहुजनस्य धम्मदेशनाय बुद्धं च धम्मं च ग्रन्थ अलिखितं पाली भाषा अध्ययन कत्वा बुद्धस्य वाणी निनादं पुनरेतं धम्मं च पाली च पचारको तों अहं शीलरश्मि वन्दामि भीमं वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं हमारे अंतकरण की भावना हमारे अंतकरण की फीलिंग्स इन शब्दों में व्यक्त हुई। बाबा साहब का जीवन कार्य जिस हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं तो उन्होंने उनको केवल वंदन करके ही हमारे जी में जी आते हैं। लेकिन तो इसका इस कविता का पूरा अर्थ तो मैं समय के अनुसार नहीं बताऊंगा, मगर इसमें चार पांच प्रमुख प्रसंगों का मैंने समावेश किया है। जैसे कि वो कैसे अद्वितीय थे, न भूतो न भविष्य, भूतकाळात कधी ते झालेले नाहीत, भविष्यात कधी होणार नाहीत असे महापुरुष बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते। त्यांचं हृदय कसं होतं, जसं त्यांनी महापुरुषाची जैसे उन्होंने महापुरुष की व्याख्या बताई है ना कि महापुरुष ज्ञानी होना चाहिए, वो ज्ञान संपन्न होना चाहिए, उसके हृदय में सजीवों के प्रति करुणा चाहिए, तो वैसी करुणा उनके मन में थी। एक संदर्भ में इसमें लिखा है चित्ते ही तस्स परदुख चिंता, दूसरे व्यक्ति के दुख की उनको हमेशा चिंता रहती थी। अरे कितना दुख है इस दुनिया में। सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने, सिद्धार्थ बुद्ध क्यों बने, इसी वजह से बने, दुनिया में दुख क्यों है। बोधिसत्वों का जीवन उनके हृदय भी ऐसा ही होता है, बाबा साहब का हृदय भी ऐसा ही था, किसी का भी दुख देख के वो बहुत ही तलमल जाते थे। तो उनके हृदय में
पर दुखों की चिंता थी। और उन्होंने क्या सिखाया फिर सबको, सुख शांति समाधान कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और उनका जीवन कैसा था, उद्धार को परिपीड़ितानंद, जो पीड़ित है दलित है उनका उद्धार बाबा साहब करने वाले थे, इसलिए बाबा साहब को हमें प्रणाम करने चाहिए। आगे बाबा साहब ने भारत का जो संविधान लिखा है, भारत देश के सभी नागरिकों को समता स्वतंत्र बंधुत्व पर आधारित जीवन देने के लिए जो संविधान लिखा है उसका संदर्भ आया, उसके लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तीसरा, उन्होंने जो नागपुर में दीक्षा दी है, जो न भूत न भविष्य थी, उसके लिए हम हमें बाबा साहब को प्रणाम करना चाहिए, ये संदर्भ लिखा है। और बाद में बुद्ध और उनका धम्म ये जो ग्रंथ लिखा है, उनके बाद भी ऐसा कहते हैं कि उसकी प्रस्तावना पूर्ण लिखने के बाद ही बाबा साहब ने अपना अंतिम श्वास लिखा था। मतलब जब उनका देहांत हुआ था तब उनके सिर के बाजू में किताब था, किताब में पेन था, और पेन में प्रस्तावना पूरी करने के बाद वहां पेन रखा गया था। तो इससे अर्थ होता है कि बुद्ध और उनका धम्म ये अपने जीवन की मानो एक शक्ति बाबा साहेब हम सभी के लिए छोड़ के गए। तो ये संदर्भ आया है। और बाद में पाली भाषा के बारे में उनका जो कार्य है इसका संदर्भ आया है। तो इस तरह से बाबा साहेब हमारे लिए निश्चित ही महान थे। और उनके कई गुणों को अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब को केवल प्रणाम करके हमारी जिम्मेदारी नहीं संपन्न होती। तो हमें निश्चित ही क्या करना चाहिए, ये अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि बाबा साहब की पूजा कैसी करनी चाहिए, बाबा बोधिसत्वों की पूजा कैसी होती है। तो इनके संदर्भ उनके ही जीवन में हमें मिलते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब जिन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो मुंबई में भी औरंगाबाद में भी और अन्य कई मुंबई के वाशी नामक कोई उपनगर है वहां भी जो अनेक संस्थाएं निर्माण की शैक्षणिक, तो औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज में बाबा साहब एक दिन जब गए तो बाबा साहब आए हमारे संचालक हमारे आश्रयदाता आए, ऐसा करके सारे विद्यार्थी कुछ उनमें से जो प्रमुख विद्यार्थी थे वो जमा हो गए और बाबा साहब का स्वागत करने के लिए वो वहां गए, उनके गले में बाबा साहब के गले में हाथ डाला और सभी उनका चरण स्पर्श करने लगे, उनको चरण को छूने लगे। ये साहजिक मनुष्य की भावना रहती है ना। तो वो देख के बाबा साहब को बहुत दुख हुआ और बाबा साहब ऐसा वर्णन मिलता है उसमें बाबा साहब के चरित्र में, चांगदेव खैरमोड़े इन्होंने जो मराठी में ग्रंथ लिखा है जो 12 प्रभागों में है, तो उसमें वो लिखते हैं कि उसमें वो खुद भी थे उनके विद्यार्थी करके, तो खैरमोड़े लिखते हैं कि जब हम सभी लोग उनको उनका चरण छूना चाहे छूना लगे मतलब उनको दंडवत करने के लिए गए तो बाबा साहब ने अपने हाथ की काठी ली और हमारे सभी के पीठ पर उन्होंने मारा, काठी से हम सभी को मारा और कहा कि मेरा केवल नाम का जय जयकार मत करो, केवल मेरे पैर मत छो, मुझे जो विचार प्रिय है उन विचारों पर आचरण करो, उन विचारों का अनुसरण करो, ये बात बाबा साहब ने कही। तो बाबा साहब की जयंती हम कैसे मनाई जानी चाहिए, बाबा साहब की सत्य पूजा या खरी पूजा सही पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, इसका उगम या इसका अर्थ हमें इसी घटना से लेना चाहिए, है कि नहीं। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि उनका व्यक्ति पूजन, उन्होंने कभी किसी का व्यक्ति पूजन नहीं किया और खुद का व्यक्ति पूजन करना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, मगर बाबा साहब के साथ में जो जिनको वो गुरु मानते थे वो बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध भी अपनी पूजा के बारे में क्या कहते हैं, इसका एक संदर्भ हमें मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र। तो उसमें हम देखते हैं कि महापरिनिर्वाण काल अति अति समीप आया हुआ है और तथागत शाक्य मुनि कुशीनारा में दो शाल वृक्ष के बीच में शयन आसन पर लेटे हुए हैं, मतलब अंतिम समय उनका आया हुआ था उस समय, और उनके आजू बाजू में बहुत सारे भिक्षु बहुत सारे उपासक बहुत सारे अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे, क्योंकि बाबा साहब का अब कुछ ही क्षण में देहांतवास होने वाला है, उनके यहाँ का जो यह लोक का प्रवास है वो समाप्त होने वाला है, बौद्ध भाषा में वो उनको परिनिर्वाण प्राप्त होने वाला है, ऐसा जान के उनके सारे शिष्य विशेषतः भिक्षु और अन्य लोग उनके बाजू में बैठकर उनके प्रति सद्भावना उनके प्रति कृतज्ञता उनके प्रति श्रद्धा भाव मन ही मन में विकसित करते हुए उनको निरोप देना चाहते हैं। तो उसी क्षण में क्या होता है कि अलग अलग जगह से कोई किसी राज्य का राजा लीजिए, कृषक लीजिए, शेतकरी लीजिए, ब्राह्मण लीजिए, हर एक क्षेत्र में जैसे समाज रचना थी वैसे कोई व्यापारी कोई श्रेष्ठ ऐसे अलग अलग लोग आते रहते हैं
और हाथ में कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई धूप लेके आते हैं, कोई गंध लेके आते हैं, कोई दीप लेके आते हैं, कोई मोमबत्ती लेके आते हैं। जैसे हम बुद्ध पूजा स्थान में प्रतिमा के सामने रखते हैं, उसकी शुरुआत इसी क्षण से हुई है कि नहीं? तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ लेके बुद्ध के बाजू में रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और कोई खड़े होते हैं तो कोई बैठते हैं। और बहुत ही दुखित अंतकरण से जो सामान्य लोग थे वो बुद्ध को दुखित अंतकरण से निरोप देना चाहते हैं, मगर जो शून्य थे, जो अर्हत थे, वो इसी क्षण का भी उपयोग करना चाहते हैं। वो इसी क्षण भी चाहते हैं कि मैं दुख से कैसे मुक्त हूँ, बुद्ध ने जो मुझे शिक्षा दी उसका पालन करके मैं इसी क्षण में कैसे अर्हत बनूं। ऐसे भी प्रयास करने वाले कुछ भिक्षु उसी समय तथागत के आजू बाजू में तथागत ने सिखाई हुई जो ध्यान साधना है वो कर रहे थे। और अवकाश में जो ऐसा वर्णन मिलता है कि जिन दो वृक्षों के बीच में बाबा बुद्ध पौड़े हुए थे, सोए हुए थे, उन वृक्ष पर अकाली पुष्प निर्माण हुए। आनंद देखता है कि बुद्ध के तथागत के शरीर पर ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है। तो वो ऊपर देखते हैं तो वहां तो दो शाल वृक्ष है और उनको फूल आए हैं और वो फूल तथागत के शरीर पर पड़ रहे हैं। तो उसको देख के आनंद को महास्थवीर आनंद को आश्चर्य लगता है और वो तथागत को कहते हैं, भगवान भंते देखिए ना, आपके प्रति आपकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, आपके प्रति पूजा भाव गौरव भाव आपका सम्मान करने के लिए निसर्ग भी आपके शरीर पर पुष्प वृष्टि कर रहा है। तथागत आनंद की ओर देखते हैं और कहते हैं, आनंद ऐसा नहीं है, तथागत की पूजा, तथागत की वंदना, तथागत का सम्मान केवल धूप दीप गंध पुष्प या अन्य कोई भी चीज केवल अर्पण करने से नहीं होती। तो तथागत की पूजा कैसी करनी चाहिए भगवान, आनंद पूछते हैं। तो फिर तथागत कुछ भी न बोलते हुए केवल अपनी नजर जो उनके दाएं हाथ के बाजू में बैठे हुए जो सारा भिक्षुगण संघ था, अखंडित भिक्षु संघ था, जो केवल ध्यान साधना कर रहे थे, जो केवल बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त कर रहे थे, शांत चित्त से बैठे हुए थे, आंख बंद करके बैठे हुए थे, मगर मन में बुद्ध के प्रति कृतज्ञता थी। तो उनकी तरफ उंगली निर्देश करके तथागत कहते हैं, आनंद तथागत की पूजा, तथागत का गौरव इसी तरह से करना चाहिए। कैसे? जिस राह पर तथागत चले, जो ध्यान साधनाएं, जो जीवन शिक्षाएं, जो शील तथागत ने दिए हैं, उनका आचरण करके हम बुद्ध की पूजा कर सकते हैं। तो बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा कैसी करनी चाहिए? उनके विचारों का पालन करके, उन्होंने जो मार्ग दिखाया उन पर सही ढंग से, सही रास्ते पर चलने से। संत कबीर क्या कहते हैं, शब्द बेचारा क्या करे, अर्थ न जाने को, अर्थ बेचारा क्या करे, धारण करे न कोय बंधुआ, धारण करे न कोय। केवल धारण करना चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, केवल प्रसारण करते हैं, है कि नहीं? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बाबा साहब की महानता समझते हैं, वो सारी की सारी हम मानो प्रसारित ही करते हैं। अपने दिल में रखनी चाहिए, अपने दिल में उसको हृदयस्थ करनी चाहिए, अपने हृदय में उसको समाहित करना चाहिए और वैसे उनके विचार के अनुसार जीवन में आचरण करना चाहिए। ये बुद्ध और बोधिसत्वों की सही वंदना। तो ऐसी वंदना हम निश्चित ही कब कर सकेंगे, जब हम उनके राह पर खुद आचरण करेंगे, है कि नहीं? तो बुद्ध और बोधिसत्व की सत्वों को ऐसी वंदना करनी चाहिए जो उनके विचार का आचरण करते हैं। धम्मपद में गाथा है, विपश्यनाचार्य गोयंका गुरु जी निश्चित ही कहते हैं, कौन सा कुटुंब, कौन सा व्यक्ति ये धर्मवंत है। वहां उन्होंने कहा है, धर्मवंत पुरुष हो धम्मचारिणी ना,
धर्मवंत संतान हो सुखी हो या परिवार, केवल परिवार के नहीं तो समाज के सुख के लिए हम में से हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, धर्मवंत होना चाहिए, धम्म का आचरण करना चाहिए, धम्म धारण करना चाहिए, तभी एक कुछ बात बनेगी, तभी हमारा जीवन भी विकसित होगा। बुद्ध और बोधिसत्व की जयंती साल में एक बार आती है, साल में एक दिन आती है, उसी दिन में केवल अब हम उनके नाम का जय घोष करते हैं और अगले ही दिन भूल जाते हैं, तो हम बौद्ध कैसे? तो हमारे हमें बाकी 364 दिनों में भी उनके विचारों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो ये बुद्ध और बोधिसत्वों की सही वंदना है। तो ये इस वंदना के लिए हमें अभी हमारा कर्तव्य क्या है, प्रैक्टिकल कर्तव्य क्या है, तो निश्चित ये देख के हम समापन करेंगे। तो इसके लिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो बौद्ध व्यक्ति कैसे बनते हैं, त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके, है ना। जो भी कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी समाज का हो, वो व्यक्ति अगर त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करता है किसी भिक्षु के पास से, है ना, स्वीकार करता है उसका, तो वो बौद्ध बनता है केवल त्रिशरण पंचशील ग्रहण करके। और त्रिशरण पंचशील का आचरण जो करता है उन्हें बुद्ध उपासक कहते हैं। उपासक कौन होता है? जो त्रिशरण पंचशील का आचरण करते हैं, और जो खुद आचरण करते हैं त्रिशरण और पंचशील का, और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देते हैं, अन्य लोगों को धम्म की राह पर लाने की मदद करते हैं, अन्य लोगों को धम्म की जीवन जीने के लिए मदद करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को तथागत उपासक रत्न कहते हैं। उपासक रत्न, आपको याद होगा कि भारत रत्न इस देश की सर्वश्रेष्ठ ऐसा एक बख्शी क्या कहते अवार्ड है, तो इसकी निर्मिति ये उपासक रत्न शब्दों से ही हुई है, क्योंकि भारत के सारे भाषाओं का जो प्रमुख भाषा है वो पाली भाषा है, उसको सभी भाषाओं की जननी कहा है, तो इससे ये शब्द आया है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, उपासक रत्न किसको कहते हैं, जो खुद भी आचरण करता है और उनको भी मदद करता है, ऐसे व्यक्ति को उपासक रत्न कहते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है, उनमें से कुछ प्रतिज्ञा तो पुराने संस्कार निकालने के लिए, बाकी की कुछ प्रतिज्ञा हमें अच्छा बौद्ध बनने के लिए निश्चित ही प्रेरणा देने के लिए। उसमें से एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, और एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। भाइयों और बहनों, 10 पारमिताओं का पालन कौन करता है? जो बोधिसत्व है, अभी शुरुआत में हमने देखा, जो बोधिसत्व है और अपने जीवन में पूरे जीवन काल में जो 30 प्रकार के पारमिताओं का पालन करता है, वो आगे जाके बुद्ध बनता है। तो हम केवल बौद्ध बने, ये केवल यही अपेक्षा बाबा साहब की नहीं थी। तो हम क्या बनना चाहिए, ऐसे बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति ये 10 पारमिताओं का पालन करे, मतलब हर एक व्यक्ति बोधिसत्व बने, ये बाबा साहब की अपेक्षा थी। बाबा साहब ने 15 अक्टूबर को जो भाषण दिया है उसमें से एक वाक्य ऐसा कहा है कि अभी यहां से जाइए, आप में से हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति को धम्म दीक्षा दीजिए, दरेकाने दरेकाला धम्म दीक्षा दिया, हर एक व्यक्ति को बाबा साहब ने अधिकार दिया धम्म दीक्षा देने की। तो धम्म दीक्षा कौन दे सकता है? जो खुद आचरण करता है वही धम्म दीक्षा दे सकता है। पंचशील ग्रहण किन के पास जाके हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं? भिक्षु के पास जाके, वही हमारे त्रिशरण पंचशील के दाता है, तो वो जैसे कहते हैं वैसे हम कहते हैं और धारण करते हैं जीवन पर। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, 10 पारमिताओं का पालन अगर हम करते हैं तो निश्चित ही हम बोधिसत्व बन सकते हैं, ऐसे खुद बाबा साहब ने लिखा है। प्रत्यक्ष तथागत बुद्ध भी इस बारे में ऐसा कहते हैं, भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओ इति उत्तक में संदर्भ मिलता है हमें, तो वहां बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओ आप केवल अपने मन से ये लोभ द्वेष मोह और भय इन बातों को निकालिए, मैं आपको हमी देता हूं, मैं आपको जामिन रखता हूं कि आप निश्चित ही इसी जन्म में अनागामी हो सकते हैं, श्रोतापन्न से आगे आप प्रगति कर सकते हैं, अनागामी बन सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष बुद्ध कहते हैं। बुद्ध या बोधिसत्व ये कहीं अवकाश से निर्माण नहीं होते, वो इसी भूमि पर जन्म धारण करते हैं। और इतिहास बताता है हमें कि जिस पावन क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है,
इसी भूमि पर तथागत बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। जिस भूमि पर हम चल रहे हैं उसी भूमि पर बाबा साहब ने चरत बुद्ध ने चरत भुख विचारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करके अपना जीवन समर्पित किया, अन्य को भी प्रेरणा दी। बाबा साहब ने भी इसी भूमि पर जीवन धारण करते हुए अपना जीवन समर्पित किया। जिस भूमि में बाबा साहब और तथागत बुद्ध उनका श्वासोश्वास चल रहा था उसी भूमि में हम भी वही श्वासोश्वास लेके जीवित रहे। तो हमारा हमें और मौका है, हमारी जिम्मेदारी भी और है। जो कार्य बुद्ध और बोधिसत्व ने किया उस कार्य को हम केवल खुद जिए ऐसा ही नहीं तो औरों को भी जीने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो कुछ बातें एक पांच छह बातें बता के मैं फिर अभी संपन्न करूंगा। हमारा कर्तव्य क्या है? व्यक्ति का कर्तव्य तो है त्रिश्रम पंचशील पालन करने का, निश्चित ही उपासक के लिए उपासक रत्न के लिए, जो भिक्षु है या जो विपश्यना कर रहे हैं या जो जो कोई अनागरिक है या जो कोई अन्य प्रयास कर रहे हैं उनका ध्येय उद्दिष्ट तो अलग अलग निश्चित हो सकता है। उनके समझ के अनुसार उनके आकलन के अनुसार हर व्यक्ति बुद्ध धम्म का आचरण अपने अपने प्रज्ञा के अनुसार विकसित कर सकता है, ठीक है ना। तो भिक्षुओं के लिए कितने सारे शील है उनका उन्हें पालन करता है, मगर केवल बौद्धों के लिए या उपासकों के लिए केवल पंचशील है। तो हमें उनका पालन व्यक्तिगत रीत्या तो करना ही चाहिए मगर औरों को भी पालन करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। ये एक धम्म कर्तव्य है। मगर समाज का करके मतलब व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज बनता है तो समाज का कर्तव्य क्या होता है? हमारी जो सारी संगठनाएं हैं जो अभी बुद्ध जयंती सेलिब्रेट करते हैं, बाबा साहब की जयंती का आयोजन करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? मतलब हम सभी की एकत्रित करके क्या जिम्मेदारी है? हम कैसे सभी लोग मिलके ये बोधिसत्व के विचारों को आगे ले जा सकते हैं, ये बात मुझे कही है। तो उसमें से जैसे आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति तीन अंग से बना हुआ है ना, काया वाचा और मन। अपना शरीर है जो अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं, अपनी वाणी है जो हमारे विचार प्रकट करते हैं, और हमारा मन है जो हमारा शील प्रकट करते हैं। हमारा शील कैसा है, हमारे मन में क्या विचार है, ये अपने शिलाचरण से मालूम होता है। तो वैसे समाज के लिए अनेक प्रत्येक संगठनाएं जो है, एसोसिएशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनको क्या करना चाहिए, ये बाबा साहब के विचारों से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बाबा साहब की इच्छा थी कि केवल भारत बौद्धमय करना, ये बाबा साहब की इच्छा थी। मगर बुद्ध क्या चाहते थे? जग धम्म राज्य निर्माण करने, या जगत मध्ये धम्म राज्य निर्माण करण्याची संकल्पना ही तथागत बुद्धांची थी। बाबा साहेबांनी भारत बौद्धमय करण्याची संकल्पना पुढे आणली आणि बुद्ध आणि बोधिसत्वांचे हेच विचार स्वीकारून आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने जग बौद्धमय करायचे असेल, नाही का, आपलं जीवन जर धम्ममय करायचं असेल तर आपण काय केलं पाहिजे, तभी हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हमें धम्म सहकार्य करना चाहिए। हमारे जितने भी संगठनाएं है, ऐसा ना हो कि ये संगठना केवल मर्यादित हो, है कि नहीं, 20-25 लोग एकत्रित आके अपना कुछ उद्देश्य सामने रखते हैं और सालों साल उसी संगठनाओं में रत रहते हैं, अन्य किसी से संपर्क नहीं करते, अन्य संगठनाओं को साथ नहीं लेते, किसी को साथ जाते नहीं, कहीं सुसंवाद नहीं, तो निश्चित ही काम बंदिस्त हो जाएंगे। तो यहाँ अपेक्षा है कि जो भी हमारी संगठनाएं हैं, जो भी संघ है, अलग अलग मंडल जिसे हम मंडल भी कहते हैं ना, स्थानिक मंडल बौद्ध मंडल, तो उन सारे बौद्ध मंडलों में अपने क्षेत्र के अपने राज्य के भी जितने भी संगठनें हैं उनके साथ हमें सहकार्य करना चाहिए। उनको हमें साल में कम से कम एक साल तो उनके साथ कार्य मिलकर करना चाहिए। वो आयोजन बुद्ध जयंती का हो, अंबेडकर जयंती का हो, ये तो होता है, मगर उसके बावजूद भी हमें कभी धम्म अभ्यास करने के लिए, धम्म पढ़ने के लिए भिक्षुओं को आमंत्रित करना या धम्म प्रचार के लिए हम सभी तैयार, हमारी तैयारी करना, ऐसे कार्य हमें करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमें धम्म सहकार्य करना चाहिए जितने भी बौद्ध है उनके संगठनाओं के साथ। दूसरी बात है कि हर एक बौद्ध व्यक्ति को धम्म प्रवास करनी चाहिए। प्रत्यक्ष तथागत बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने चार जगह अपने जीवन में एक बार तो देखना चाहिए, एक बार तो उन जगह पे हमें आना चाहिए। उसमें से चार जो जगह है वो है प्रत्यक्ष तथागत बुद्ध सिद्धार्थ का जिस जगह पे जन्म हुआ वो लुम्बिनी, जिस जगह तथागत ने ध्यान साधना की और संबोधि प्राप्त की, है कि नहीं, वो बोध गया। जिस भूमि पर तथागत ने प्रथम धम्म देशना दी वो सारनाथ, और जहां तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ वो कुशीनारा। तो इन चार स्थलों को, पवित्र स्थलों को हमें जीवन भर जीवन में कम से कम एक बार को दर्शन करके आना है। वहां जाके खुद देखना है कि बुद्ध केवल कल्पना नहीं,
केवल कल्पनाती धर्म नहीं है, बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष है। वो इसी भूमि पर जन्मे थे, वो भूमि आज यहाँ उपस्थित है। जहां उन्होंने ध्यान साधना की वो जगह भी आज सुरक्षित है। जहां उन्होंने धम्म देशना दी वो विहार या वो सारनाथ की भूमि वहां जाके हम देख सकते हैं, और जहां उन्होंने अंतिम श्वास लिया वो कुशीनारा में भी हम जाके अनुभव कर सकते हैं। तो धम्म प्रवास करनी चाहिए। तीसरी बात है कि हमें धम्म शिविरों का आयोजन करना चाहिए। जयंती समारोह वो साल में एक बार करके हमारी जिम्मेदारी संपन्न नहीं होती, वो तो केवल क्या होगा, ध्रुव डोंगर साजरे करने देगा। तो अगर हमें सच्चे बौद्ध बनना है, सच्चे उपासक बनना है, उपासक रत्न बनना है, बोधिसत्व बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक महीने में कम से कम एक धम्म शिविर का आयोजन करना चाहिए। हर एक महीने के 30 दिनों में से केवल कम से कम एक दिन तो दीजिए जो दिन धम्म का दिन रहेगा। उस दिन किसी भिक्षु को, किसी धम्मचारी को, किसी अनागरिक को, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को जो अभ्यास करता हो और आचरण भी करता हो, ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कीजिए। उसके पास से त्रिशरण पंचशील ग्रहण कीजिए, धम्म के बारे में कुछ जानिए, कुछ सवाल निर्माण कीजिए, उसका जवाब भी लीजिए और आचरण करने के लिए तैयारी कीजिए। तो ऐसे धम्म शिविरों का हमें आयोजन करना चाहिए। दूसरी बात है वाचा की, हमारी वाचा कैसे बोधमय बन जाएगी, है कि नहीं। पंचशील में तो एक संदर्भ आया है, सत्य वचन से हमारी वाणी शुद्ध होती है। तो ये सत्य वचन बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, धम्म प्रवचन का श्रवण करना चाहिए। हमें खुद भी धम्म प्रवचन आयोजित करना चाहिए। जैसे आज या इसके पहले भी कितने सारे प्रवचन का आयोजन हमारे श्रद्धेय उपासक साड़वी जी करते हैं। मैं उनके संपर्क में पिछले 2-3 साल से आया हूँ और भारी प्रभावित हुआ हूँ मैं। तो जीवन कैसा जीना चाहिए ये दिखाने के लिए, या ऐसे उदाहरण हमारे इर्द गिर्द है भाई और बहनों, बुद्ध बोधिसत्व का अंश या उनका प्रतीक हमारे आजू बाजू में भी संपन्न है। हमें केवल वो दृष्टि चाहिए कि योग्य क्या है, उत्तम क्या है। ये अगर हम गुणों को हम ढूंढते हैं तो हमारे आजू बाजू में गुणवान लोगों की समूह रहेगा। अगर हम दोषों को ढूंढते रहेंगे तो हमारे आजू बाजू में शत्रुओं की झुंड रहेगी। तो अधीन है आप पर कि हमारी दृष्टि कैसी है कि नहीं। नजर को बदलिए, नजारे बदलते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें गुणों को ढूंढना चाहिए। तो धम्म प्रवचन का आप आयोजन कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के प्रवचन आयोजित कर सकते हैं। धम्म वर्ग का आप नियोजन कर सकते हैं। पूरा दिन अगर आप नहीं दे सकते तो दिन में कोई 2 घंटे तो दीजिए, महीने में ना हफ्ते में 2 घंटे अगर देते हैं तो हर एक हफ्ते में 2-2 घंटे मिलकर 8 आवर्स हो जाएंगे। तो इस धम्म वर्ग में आप पूजा कैसी करनी चाहिए, वंदना कैसी बोलनी चाहिए, उसका हर एक पाली शब्द का अर्थ क्या है, उसका अर्थ समझा सकते हैं आप, और बाद में उसका आचरण करना चाहिए, ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और उसके आगे है धम्म प्रचार के लिए हमें खुद तैयार रहना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने कहा है, हरेक ने हरे काला दीक्षा दिया, मतलब हरेक व्यक्ति ने इतना समर्थ होना चाहिए कि वो हर किसी को दीक्षा दे सकता है। दीक्षा कौन दे सकता है, भिक्षु ही दीक्षा दे सकता है। क्यों दे सकता है, उनका खुद का आचरण है। वो गृह त्याग करते हैं, वो अनासक्त रहते हैं, वो वैराग्य की भावना रखते हैं, इसलिए भिक्षु भी हमें वंदनीय रहते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ जीवन अगर कौन सा है तो भिक्षुओं का है। तो निश्चित ही ये अवसर हमें भी प्राप्त है, हमें भी वैसा बनना चाहिए। ठीक है, आप गृह त्याग नहीं कर सकते, मगर जिन्होंने गृह त्याग किया है उनके प्रति सद्भावना, उनके प्रति कृतज्ञता तो हमें निश्चित ही हमारे मन में रखना चाहिए, ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। तो और बाद में आता है ध्यान साधना करनी चाहिए। सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, 6 साल तक सिद्धार्थ ने ध्यान साधना की, अखंडित ध्यान साधना, और उसके बाद में वो सम्यक संबुद्ध बने। तो हमें भी जीवन में अगर बोधिसत्व बनना है, अगर उपासक रत्न बनना है, अगर हमें अरहत बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए। विपश्यना के केंद्र हर जिले में भी, हर तालुका में भी है। त्रियत्न बोध महासंघ ये भी एक आध्यात्मिक संघ है, उसमें भी हर एक शहर में त्रियत्न बोध महासंघाओं की शाखाएं है, जहाँ धम्मचारी गण या अनागरिक लोग धम्म या ध्यान साधना पढ़ाते हैं, खुद आचरण करते हैं। तो कहीं भी जाइए, धम्म आपके लिए मदद के लिए आपका इंतजार कर रहा है भाई और बहनों। इस जयंती के अवसर पर गुणों को देखिए, दुर्गुणों को छोड़िए, है कि ना। क्या कमियां है उसको छोड़ दीजिए। आप अगर प्रेरित है बुद्ध के जैसा जीवन जीने के लिए, बोधिसत्व के जैसा जीवन जीने के लिए, तो निश्चित आपको मदद के लिए हर
हर समय हर क्षेत्र में हर जगह पर आपको मददगार लोग अभी भी निश्चित ही ऐसा कहते हैं कि धम्म ही आपको मदद करेगा, है कि नहीं। तो मार्ग आप सभी के लिए उपलब्ध है। बाद में अंततः मैं यही कहूंगा कि हम सभी को बुद्ध जयंती हमारे जीवन में आना मतलब हमारा जीवन उन्नत करने के लिए एक सुवर्ण अवसर है। ये अवसर ऐसे ही नाच गाना करके गवाइए मत भाई और बहन। हमारी जितने आयुर्मान हुई है उतने साल गुजर गए और कितने साल बाकी है कोई भी नहीं कह सकता। कोरोना की महामारी देखिए कितने लोगों का अंत हुआ है। उनको हमारे सामने अंतिम श्वास देखते हुए हमको छोड़ना पड़ा है। तो जीवन की अनित्यता देखते हुए इस जयंती के दिन कुछ ना कुछ संकल्प कीजिए। जो बुद्धा और उनके धम्म में 6 प्रकार 7 प्रकार के संकल्प दिए आप केवल उनमें से एक संकल्प लीजिए कि आज से मैं त्रिशरण ये मेरे लिए त्रिरत्न ये मेरे लिए अंतिम शरण स्थान रहेंगे। पंचशील का पालन मैं जीवन भर करूंगा। केवल इससे आप शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही अपना जीवन ये धर्म के मार्ग पर चलना चालू करेगा। आप धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हुए ही ऐसा बताए तो ऐसी प्रेरणा ऐसा संकल्प आपके मन में निर्माण हो उसके लिए आपके कुशल कर्म और बढ़े, आपके मन में त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा बढ़े, आपके मन में मैत्री भावना वृद्धिगत हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसी कामनाओं के साथ मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु साधु। आदरणीय अनागारिक श्री जी आपको बहुत बहुत साधुकार। बहुत ही सीधी और सरल भाषा में विस्तार से बताया। आपको बहुत बहुत साधुकार। सभी जुड़े हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका आप सभी को साधुकार।